गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने डील किया एक ब्रीफ आइडिया दिया व्हाट इज एम्ब्रायो एंड व्हाट इज फीटस। उसके साथ हमने जिस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया वो था गैस्टुलेशन, विच इज अ 7-स्टेप प्रोसेस। अब हम लोग सबसे पहले इंक्लूड करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन है क्या? तो सिंपल डेफिनेशन है द ग्रोइंग एम्ब्रायो और फीटस है ना, डेवलप्स फोर मेम्ब्रेन। ग्रोइंग एम्ब्रायो और फीटस डेवलप करता है फोर मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। जो ग्रोइंग एम्ब्रायो या फीटस है, ठीक है, ये डेवलप करता है फोर मेम्ब्रेन, इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन चार है, कोरियोन, एम्ब्रियोन, एलेंटॉयस और योक्सल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कोरियोन क्या है। ठीक है, कोरियोन जो है इट इज मेड अप ऑफ ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड एंड सोमाटो प्लियोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म इनसाइड। ठीक है, कोरियोन क्या करता है? इट इंक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो। पहला काम, इसका मेल काम क्या है? इट फॉर्म्स द फीटल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा। ये प्लासेंटा के फीटल पार्ट को बनाता है। ठीक है, दूसरा एम्नियोन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट अंतर कहां हो गया? इनसाइड एंड सोमाटो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म आउटसाइड। कोरियोन में क्या था? ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड था, यहां पे ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाया? इनसाइड लेयर को बनाया। कोरियोन में सोमाटो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन इनसाइड पार्ट को बनाया, एम्नियोन का आउटसाइड पार्ट बनाया सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म। ठीक है, अब काम में अंतर क्या देखो, द स्पेस बिटवीन एम्ब्रायो, द स्पेस बिटवीन एम्ब्रायो एंड द
द एमनियन फॉर्म्स एमनियोटिक कैविटी। एम्ब्रायो और एमनियन के बीच का जो फॉर्म है, स्पेस है, वो एमनियोटिक कैविटी बनाएगा। अब ये जो तुम्हारा एमनियोटिक कैविटी है, ये एमनियोटिक कैविटी क्या करेगा, इसी के अंदर पाया जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का तीन काम है, पहला ये डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, दूसरा इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द एम्ब्रायो, जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उसके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और तीसरा इट प्रिवेंट डेसिकेशन। किसका डेसिकेशन? ऑफ द एम्ब्रायो। ठीक है, ये तीन काम कौन करेगा? एमनियोटिक फ्लूइड तो किसके अंदर पाया जाता है? एमनियोटिक कैविटी। अब आओ थर्ड में एलेंटॉइड्स। थर्ड एलेंटॉइड्स है ना, सबसे पहले एलेंटॉइड्स का भी दो लेयर है, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, इसका इनसाइड कौन बना रहा है? इंडोडर्मल सेल। और इसका आउटसाइड कौन बना रहा है? स्प्लैंको प्लूरिक एक्स्ट्रा इम्ब्रायनिक मेसोडर्म। ठीक है, ये एलेंटॉइड्स किससे फॉर्म हो रहा है? इट फॉर्म्स फ्रॉम द गट ऑफ इट फॉर्म्स फ्रॉम द गट ऑफ द एम्ब्रायो नियर, कहां? नियर द यॉक सैक, नियर द यॉक सैक। ठीक है, एलेंटॉइड्स जो है बेसिकली इट इज नॉन फंक्शनल, इट फॉर्म्स द ब्लड वेसल्स, इट फॉर्म्स द ब्लड वेसल्स ऑफ द प्लासेंटा। ये प्लासेंटा का क्या बनाता है? ब्लड वेसल्स को बनाता है। ठीक है, और इसका कोई खास काम नहीं है, इसलिए रिड्यूस्ड भी होता है। अब बचा क्या? बचा यॉर्क सैक, क्या है ना, तो फोर्थ होगा यॉर्क सैक। यॉर्क सैक, यॉर्क सैक में क्या होगा? इसका भी सेम है ना, इनसाइड पार्ट और आउटसाइड पार्ट में कोई अंतर नहीं है। एलेंटॉइड्स ऐसा है, इनसाइड पार्ट है इंडो डर्मल सेल, और जो आउटर पार्ट है ये क्या है? ये है स्प्लैंको प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म। ठीक है, ये दोनों पार्ट से बनता है यॉर्क सैक। अब यॉर्क सैक जो है बेसिकली नॉन फंक्शनल है ह्यूमन में, क्योंकि हम अभी बताए थे कि ह्यूमन फीमेल में जो यॉर्क सैक है उसमें यॉर्क नहीं होता है, यॉर्कलेस हो,
तो उसको एल एसिथल बोलते हैं। लेकिन ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स द प्राइमरी ब्लड सेल्स, ये क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन इन डिटेल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रेगनेंसी एंड प्लासेंटा। What is pregnancy? पहला हमारा क्वेश्चन है What is pregnancy? सिंपल है, इट इज द पीरियड, प्रेगनेंसी क्या है, इट इज द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब इंसेमिनेशन से लेके बर्थ तक के पूरे फेज को हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग इट इज 9 मंथ प्लस माइनस 7 days। ठीक है, ये तो कॉमन है। अब व्हाट इज प्लासेंटा, ठीक है, अब प्लासेंटा के बारे में समझो, व्हाट इज प्लासेंटा, प्लासेंटा इज एन इंटीमेट, मतलब नजदीकी, इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द यूटेराइन वॉल। क्यों इंटीमेट कनेक्शन होता है फीटस और यूटेराइन वॉल के बीच, फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन प्लासेंटा है इसके नेचर के आधार पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो ये जो ह्यूमन प्लासेंटा है इसमें क्या होता है कि कोरियन, ठीक है, कोरियन तो हम लोग पढ़े हैं, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस और याक सैक, अभी जस्ट पढ़े, इसमें क्या था, कोरियन का जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस क्या करता है, डेवलप करता है नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरियोनिक विली, क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विली। ये जो कोरियोनिक विली है ये इंटर करता है, इंटर इनटू द यूटेराइन वॉल। ठीक है, और जब ये इंटर करता है यूटेराइन वॉल में एंड गेट इम्बेडेड इन इट, और ये उससे घेरा जाता है ना, गेट इम्बेडेड इन इट, और तब ये क्या बनाता है, फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है कॉल्ड प्लासेंटा। ठीक है, ये क्या बनाता है, देखो
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया क्रोनिक वेली, ये क्रोनिक वेली यूटेराइन वॉल में इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे इंट्रोड्यूस हुआ इंटरवल क्या हुआ, ये जो यूटेराइन वॉल है ये इसको इम्बेडेड किया, चारों तरफ से घेर लिया और तब एक स्ट्रक्चर बना जिसको बोला गया प्लासेंटा। क्योंकि ये प्लासेंटा किससे बना हुआ है, कोरियोन से बन रहा है ना, इसलिए इसको बोला गया कोरियोनिक प्लासेंटा। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई ह्यूमन प्लासेंटा इज कॉल्ड कोरियोनिक प्लासेंटा, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या, जो ह्यूमन प्लासेंटा है इसमें एक फीटल पार्ट है, मतलब फीटस का जो पार्ट प्लासेंटा बनाने में मदद कर रहा है, और एक मैटरनल पार्ट है, मदर के बॉडी का जो पार्ट प्लासेंटा बनाने में मदद कर रहा है। जो फीटल पार्ट है वो क्या था, अभी हम लोग पढ़े कोरियोन, और जो मैटरनल पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, डेसीडुआ बेसिलिस, है ना। और ये प्लासेंटा कोरियोनिक वेली के द्वारा इंट्रोड्यूस होता है यूटेराइन वॉल में, ठीक है। और इसका इंटीमेसी का ये नतीजा है कि जब ये इंट्रोड्यूस होता है यूटेराइन वॉल में तो इट इरोड, इरोड का मतलब रैप्चर कर जाता है, इट इरोड इरोजन करता है ऑफ द यूटेराइन म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू इपिथीलियल सेल एंड इंडोथेलियल लेयर। जब ये यूटेराइन वॉल में इंट्रोड्यूस होता है तो उसके कितने लेयर को ये डैमेज करता है, इरोड करता है, यूटेराइन म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू को कर देता है, इपिथीलियल सेल को कर देता है और इंडोथेलियल लेयर को कर देता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, द ब्लड वेसल ऑफ प्लासेंटा, जो प्लासेंटा का ब्लड वेसल है, बास्ट इन द यूटेराइन ब्लड, ठीक है। और इस तरह के प्लासेंटा को कहा जाता है हेमो कोरियल प्लासेंटा। क्या कहा जाता है, हेमोकोरियल प्लासेंटा। फिर से बताता है देखो, ह्यूमन प्लासेंटा का फीटल पार्ट क्या है, कोरियोन, और मैटरनल पार्ट क्या है, डेसिडुआ बेसिलिस। ये कोरियोनिक वेली जब यूटेराइन वॉल में इंट्रोड्यूस होता है तो उसके बहुत सारे लेयर को ये रैप्चर करता है, यूटेराइन म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू, उसी में कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, ब्लड और लिम्फ, इपिथेलियल सेल और इंडोथेलियल लेयर, जिसके कारण इसका इंटीमेसी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों का कोरियोन और ह्यूमन यूटेराइन वॉल फीमेल का इतना नजदीक है कि कोरियोन का जो ब्लड वेसल्स है ये पूरी तरह से नहा लेता है, बाथ हो जाता है इन द यूटेराइन ब्लड, और ऐसे प्लासेंटा को कहा जाता है हेमोकोरियल प्लासेंटा, ठीक है। नेक्स्ट, और लास्ट है मेटाडिस्कॉइडल प्लासेंटा। ठीक है, तो मेटाडिस्कॉइडल प्लासेंटा किसको कहा जाता है, बोला जाता है कि जो प्लासेंटा है इट इज द प्लासेंटा इज लिंक्ड अटैच
टू द यूटेराइन वॉल बाय अम्बेलिकल कॉर्ड. किससे जुड़ा है, किसके माध्यम से? अम्बेलिकल कॉर्ड के माध्यम से प्लासेंटा यूटेराइन वॉल यानी मदर के वॉल से जुड़ा हुआ है. ठीक है, और क्या होगा कि अम्बेलिकल कॉर्ड क्या करता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट इनटू द फीटस फ्रॉम मदर्स बॉडी और CO2 एंड वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द फीटस, फ्रॉम द फीटस इनटू द, ठीक है, मदर्स बॉडी, इनटू द मदर्स बॉडी. ठीक है, तो ये हो गया प्लासेंटा का रोल अम्बेलिकल कॉर्ड के द्वारा. प्लस ये देखा गया है कि प्लासेंटा का जो साइज है, इनिशियली जब इम्ब्रायो बनता है तो प्लासेंटा पूरे इम्ब्रायो को एम्बेड करता है, पर जैसे जैसे इम्ब्रायो का साइज बढ़ता है प्लासेंटा एक मिनिमम स्पेस में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर में उसके साथ अटैच होता है, और इसलिए ऐसे प्लासेंटा को कहा जाता है मेटा डिस्कॉइडल प्लासेंटा. क्या कहा गया, मेटा डिस्कॉइडल प्लासेंटा. और एक क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है नीट में है कि व्हाई ह्यूमन प्लासेंटा इज कॉल्ड कोरियो एलांटॉइड प्लासेंटा. क्या बोला जाता है, कोरियो एलांटॉइक प्लासेंटा. सिंपल बात है कि प्लासेंटा का जो ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो किससे बना, कोरियोन से. और प्लासेंटा का जो ब्लड वेसल्स है वो किससे बना, एमनियो एलांटॉइड से बना. तो एलांटॉइड से प्लासेंटा का ब्लड वेसल, और प्लासेंटा का जो बाहर वाला ट्यूब है वो किससे बना, कोरियोन से, इसलिए इसको कहा गया कोरियो एलांटॉइड प्लासेंटा. तो प्लासेंटा का देखो तीन फंक्शन है, एक तो फंक्शन ये वाला हो गया, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करता है फीटस में मदर बॉडी से. दूसरा फंक्शन क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफर करता है फीटस से मदर बॉडी में. तो सवाल है तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन ये है कि ये जो प्लासेंटा है एक इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है. कैसे इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है, ये कुछ हार्मोन रिलीज करता है जैसे, ठीक है, क्या क्या, HCG, HPL, स्टेरोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन. HCL मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. क्या बोले, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. HPL का मतलब ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, है ना, और थर्ड स्टेरोजेन और फोर्थ प्रोजेस्टेरोन. ये तीन चार जो हार्मोन है ये कौन रिलीज कर रहा है, डायरेक्टली रिलीज कर रहा है प्लासेंटा, इसलिए कहा जाता है दीज आर इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा. इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कि हाउ प्लासेंटा वर्क एज अ इंडोक्राइन ग्लैंड और हाउ इंडोक्राइन फंक्शन फाउंड इन प्लासेंटा. तो उसमें यही लिखना है, उसमें चार हार्मोन रिलीज होता है, HCG, HPL, स्टेरोजेन और प्रोजेस्टेरोन. अगर इलैबोरेशन में व्हाट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL का ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन और स्टेरोजेन और प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, चलो ये हो गया प्लासेंटा का डिटेल.
अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेगनेंसी पैचुरेशन, है ना। पैचुरेशन PATRUTION, वॉट इज पैचुरेशन? द एक्सपल्सन ऑफ द फुली डेवलप्ड फीटस, द एक्सपल्सन ऑफ द फुली डेवलप्ड फीटस फ्रॉम द फीमेल बॉडी ड्यू टू ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड पैचुरेशन। ठीक है, तो क्या होगा फिर से सुनो। एक्सपल्सन यानी बॉडी से बाहर निकालना, एक्सपल्सन ऑफ द फुली डेवलप्ड फीटस या यंग वन भी बोल सकते हैं, कहां से? फ्रॉम द फीमेल बॉडी। कैसे? ड्यू टू ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड पैचुरेशन, इज कॉल्ड पैचुरेशन। अब इसमें कहा होगा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ पैचुरेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है पैचुरेशन का, ये इंड्यूस होता है दो जगह से। एक इंड्यूस्ड बाय नर्वस सिस्टम और दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द यूटेरस। ठीक है, इनिशियली क्या होता है? इनिशियली द फुली डेवलप्ड फीटस, इनिशियली द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा लीड्स टू माइल्ड हल्का सा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इनिशियली द फुली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा, ये दोनों क्या करता है? माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या कहा जाता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, है ना। व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? जैसे ही फीटस फुली डेवलप्ड हो जाता है मदर की यूटेरस में, प्लासेंटा के साथ ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है यूटेरस का, और उस प्रोसेस को कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, क्या होता है? इट प्रोवाइड स्टिमुलस टू द, किसको स्टिमुलस दे रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जैसे ही ये मैसेज किया, वो क्या करेगा? इट रिलीज, क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कहां से रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन? फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ
पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फिर इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या है, जिसको रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस थ्रू पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। काम इसका है इट कॉज ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। ठीक है, ये ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस करेगा कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहा गया। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज कब होगा, बिफोर एंड ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ यंग वन। इसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जब ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेरस का तो इसी को कहा जाता है लेबर पेन। लेकिन लेबर पेन के समय पेन को मिनिमाइज करने के लिए और एक हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन। क्या रिलीज होता है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स मसल, सर्विक्स के वॉल को डायलेट करता है, जिसके कारण सैक्रल है ना जो मसल्स है प्लस सैक्रोकॉकेजियल जॉइंट्स है और जो यूटेराइन सर्विक्स है वो पूरी तरह से डायलेट हो जाता है। तो एक तरफ ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और एक तरफ रिलैक्सिन रिलीज हो रहा है सर्विक्स वॉल को डायलेट करने के लिए। ये दोनों काम क्या करता है, इट लीड्स टू इजी एक्सपल्सन ऑफ द बेबी फ्रॉम द मदर्स बॉडी। मदर्स बॉडी कैसे एक्सपेल होता है, थ्रू द सर्विक्स फ्रॉम द वैजिना। और इसलिए वैजिना को कहा गया है बर्थ कैनाल। क्या कहा गया है, बर्थ कैनाल। ठीक है, इसी दौरान इसी दौरान क्या होता है, देखा गया कि जो प्लासेंटा है वो कोरियोनिक, ठीक है, क्या कोरियोनिक, या सीधा बोल सकते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इसको भी प्रेगनेंसी क्लॉक भी कहा गया है। क्यों, अगर इसका प्रेगनेंसी के दौरान ओवर सिक्रेशन होगा ACCRETION तो क्या होगा, बेबी का प्री मैच्योर बर्थ होगा, प्री मैच्योर बर्थ होगा समय से पहले, जेस्टेशन पीरियड से पहले 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। और अगर इसका बिलो लेवल सिक्रेशन होगा यानी पुअर लेवल में तो क्या होगा, बेबी का डिले बर्थ होगा, डिले बर्थ होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्लॉक या प्रेगनेंसी क्लॉक भी कहा गया है। किसको, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, और नॉन प्रेग्नेंट वुमन में ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पैचुरेशन हम पढ़े इसमें लेबर पेन पढ़े, ऑक्सीटोसिन के कारण क्या होता है, ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस और उसमें क्या होता है, लेबर पेन। ये जो लेबर पेन है इसका 3 स्टेजेस होता है। ये 3 स्टेजेस क्या है, स्टेज ऑफ डायलेशन, स्टेज ऑफ एक्सपल्सन और प्लासेंटल स्टेज, प्लासेंटल स्टेज। अब देखो स्टेज ऑफ डाइलेशन क्या है, पीरियड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस या यूटेराइन वॉल
अप टू सर्विकल डायलेशन, सर्विक्स जब डायलेट कर जाता है सर्विक्स को बोल दैट इज स्टेज ऑफ डायलेशन। इस दौरान क्या होता है, सबसे पहले एमनियोटिक सैक बस्ट कर जाता है और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो फीमेल के बॉडी से चला जाता है, बाहर निकल जाता है। दूसरा स्टेज ऑफ एक्सपल्शन, और ये जो टाइम है ये 5 to 6 आवर में होता है। कौन स्टेज ऑफ डायलेशन, स्टेज ऑफ एक्सपल्शन में क्या है, यहां से शुरू करो, पीरियड फ्रॉम सर्विकल डायलेशन टिल बर्थ, जब तक कि बेबी को बॉडी से एक्सपेल आउट नहीं किया जाए, ये स्टेज ऑफ डायलेशन। एक घंटे से कई घंटे तक हो सकता है ना। और प्लासेंटल स्टेज क्या है, प्लासेंटल स्टेज में क्या होता है कि आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी द रैप्चर्ड प्लासेंटा गोज आउट ऑफ द फीमेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, आफ्टर बर्थ प्रोडक्ट। बट इसी दौरान यूटेरस वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसका ब्लड वेसल्स क्या हुआ, रैप्चर कर गया, वो ब्लड वेसल प्लासेंटल स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, फीमेल के बॉडी से ज्यादा ब्लड का लॉस नहीं होता है एंड दे आर सेफ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ब्लड हेमरेज, है ना। कभी कभार होता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ बेबी द मदर डाइज, वो तब होता है जब प्लासेंटल स्टेज के दौरान प्लासेंटा के साथ साथ जो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था वो डायलेट हो गया और फीमेल के बॉडी से एक्स्ट्रा ब्लड का सिक्रेशन हो गया। इन दैट केस द फीमेल मे कोलैप्स, ठीक है। तो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन पैचुरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।